लेके आ रही हूँ। मुझे बहुत दिल से खुशी है कि हमने अपने मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी गोल्डन जुबली 50वीं वर्षगांठ मनाई है। इस विषय के बारे में मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है संतान बेटा या बेटी, बेटियाँ भी बहुत अच्छा जाती हैं, बहुत सुख दे सकती हैं। मैं ये नहीं कहती बेटे गंदे हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, बेटियों को भी उतनी ही खुश, शायद उससे ज़्यादा खुशी मिली है। तो आज मैं अपने दिल के आभार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ हमारे नियर और डियर सब आए और सबने बहुत इन्जॉय किया। मैं हार्दिक धन्यवाद दे रही हूँ। देखिए, कभी महसूस हुई आपको भाइयों की या किसी की? नहीं, सच बताऊँ तो कभी नहीं, कभी भी नहीं। मैं अपने भगवान श्री कृष्ण को भाई मानती हूँ, आज तक मानती हूँ, बचपन से उन्हीं को राखी बांधते हैं। और इतना हमारा सौभाग्य है, दुर्लभ है कि हमने हमारे गुरु जो हमारे लिए आदर्श है, जो एक बेटी होते हुए उन्होंने इतना अच्छा संभाला, उन्हीं के आदर्शों पे हम भी चलना चाहते हैं। आज की डेट में मुझे 15 साल हो गए हैं रिटायरमेंट हुए हुए। मेरे 4 बेटियाँ हैं जो कि बहुत ही हायर एजुकेशन में हैं। उन्होंने मेरे जीवन को सफल बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान चलाते हुए मुझे इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया कि मेरा जीवन सफल हो गया। और मैं आशा करता हूं कि मेरी बेटियों की उम्र मेरे से भी ज़्यादा अच्छी तरह उम्र हो। खुशी होती है, मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे लड़कों से भी ज़्यादा खुशी हुई। और आज वो हायर एजुकेशन करके वो जो है ना, मेरी बड़ी लड़की इंग्लिश लेक्चरार है, तो इतने हायर एजुकेशन होते हुए उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे पिता ने हमारे साथ क्या किया क्या नहीं किया। मैं एक दिन जब चौथी लड़की हुई तो मैं बहुत मतलब मायूस था, तो उसमें मेरे को माता पिता कहने लगे बेटे आपको अपना वो मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान आपको इतना देगा, सिर्फ ये सच्चाई के रास्ते पर चलना, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करना और ना ही किसी से कोई फालतू बात करना।